हेलो जनाब, कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज कम आ रही है तरफ से। उत्तराखंड हमेशा से प्रतिभा की खजान मानी जाती है और तमाम वो प्रतिभाएं पहाड़ से निकलकर जो है मुंबई में जो है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। इस समय मेरे साथ जो है पवनदीप राजन हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, तो सीधा उनसे ही बात करते हैं। पवनदीप राजन जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि इस बार जो है देहरादून आकर कैसा आपको पहले फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने घर आकर सभी को अच्छा लगता है, याद होती हैं, अपनी पुरानी यादें रहती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि हम अपने घर पर ही हैं और वहीं पे शो करना, वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपने सफ़र के बारे में बताइए, किस तरीके का सफ़र रहा, क्योंकि आप पहाड़ से निकले और एक रीजनल जो सॉन्ग्स थे वो आप करते थे, उसके बाद आपने जो है बॉलीवुड तक आज आप पहुंच चुके हैं, तो उस सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए। पहले मैं तबला ढोलक बजाता था अपने उत्तराखंडी सॉन्ग्स में या शोज़ वगैरह में, तो मेरे को गाने का भी शौक था, तो मैंने गाने का प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे गाने पर आया, एक दो गाना गाता था कहीं पर भी, पहाड़ी हिंदी। तो बाकी फिर मैंने अपना बैंड बनाया, बैंड में सिंगिंग करने लगा, तो फिर ऐसे उसके बाद से अपना सिंगिंग का मैंने स्टार्ट किया। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये तबला वादक की हो चाहे गायन की हो? तबला मैं बचपन से बजा रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ खुद को, और पापा से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी घर वालों का ज़्यादा सपोर्ट रहता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि सभी घर वाले कहते पढ़ाई करो, क्या बनेगा, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं घर से बिना बताए भी चला गया था एक बार कि मेरे को जाना है करके। तो अगर आपसे बात की जाए, क्योंकि आपने जो है पहाड़ी जो सॉन्ग्स हैं उन्हें फ्यूजन भी स्टार्ट कर दिया है लगातार, आपने अनमोल प्रोडक्शन के थ्रू जो आपके दो तीन गाने देखे हैं लगातार, आपने काफ़ी अच्छा उनमें फ्यूजन भी स्टार्ट किया है, तो मैं चाहूँगा दो तीन पंक्तियाँ आप जो सुनाएं। एक सॉन्ग था हमारा तेरी ओर, मन मा तू ही छे, मेरा दिल मा तू ही छे, जन्म जन्म को सा, आँखों मां तू ही, मेरा सपनों मां तू ही, थाम ले मेरो हाथ, कहाँ छे तू या छू मैं, तेरा इंतजार में, तेरा प्यार में, कहाँ छे तू या छू मैं, तेरा इंतजार में, तेरा प्यार में, बस गए तू मेरा हर रंग में सुआ, बस गए तू मेरा हर ढंग में सुआ, बस गए तू मेरा अंग अंग में सुआ, बस गए तू मेरा हर रंग में सुआ। बहुत सुंदर आपका गाना। तो पवनदीप राजन जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप यूथ हैं, क्या लगता है किस तरीके से जो है जो रीजनल सिनेमा है उस पर फ्यूजन का जो है स्टार्ट होना चाहिए? क्या वक्त के साथ हमारा जो कल्चर है या फिर जो गाने हैं उस तरीके के नहीं बन पा रहे हैं जो यूथ को पसंद है? गाने बन पा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि हमारा जो उत्तराखंडी जो म्यूज़िक है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको आगे तक लाएँ, उसको भी ज़्यादा प्रमोट करें। अभी जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ी गाना है तो हमें पहाड़ीपन में ही डालना है उसको, हम कुछ नया वेस्टर्न करके भी उसको पहाड़ी कर सकते हैं या फिर पहाड़ी को वेस्टर्न में डाल सकते हैं,
तो कुछ ऐसा फ्यूज़न करके एक अलग गाना बनाएंगे तो कुछ अलग पहचान मिलेगी हमारे उत्तराखंड को भी। तो अभी आने वाले आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो बॉलीवुड में अभी आने वाले? मैं महेश मांजरेकर जी के साथ एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर में काम कर रहा हूँ 2 मूवीज़ में। उसके बाद भी 2-3 मूवीज लाइंड अप हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। बाकी ये वाला मूवी के दो मूवी आ रही है तो उनका नाम बता दें। मूवीज़ का नाम अभी ऐसे डिसाइडेड नहीं हुआ है, शूटिंग चल रही है तो जैसे ही होगा मैं आप सभी को बताऊंगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए कि आप एक यूथ भी हैं, आपने इतना बड़ा एक शो भी जीता है, द वॉइस के आप विनर रह चुके हैं, और क्या लगता है कितनी प्रतिभाएं उत्तराखंड के अंदर हैं और पहाड़ के अंदर खासकर जो हैं, किस तरीके से उनको उभारा जा सकता है? पहाड़ में बहुत सारे हमारे कलाकार ऐसे हैं जो अभी भी उनको मौका मिले तो बहुत अच्छा करेंगे, पर उनको मौका नहीं मिल पाता। मैं तो चाहूँगा कि वो लोग मेहनत करें, अपना आगे बढ़ें, बाकी हम लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, हमसे जितना हो पाएगा। अभी बहुत सारे ऑडिशंस में हमारे पहाड़ी लोग बहुत आगे आगे तक गए हैं, जितना मेरे को पता है 2-4 ऑडिशंस हुए हैं, उसमें बहुत सारे पहाड़ी लोग हमारे सिलेक्ट हुए हैं। तो पहाड़ी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि अभी जो भी चीज़ करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई म्यूज़िक खेल कूद सब में अपना प्रैक्टिस जारी रखें और अपने ऊपर भरोसा रखें। बहुत से लोग डिमोलाइज करने वाले भी रहते हैं कि अरे यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, कहाँ घूम रहा है, ये वो है, ये वाले ज़्यादा रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि खुद पे भरोसा करें। तो आप जो है अपनी आवाज़ में एक कुमाऊनी गाना जरूर यहाँ पर। कौन सा गाऊं? कुमाऊनी सॉन्ग ना, ठीक है, एक बढ़िया सोचता हूँ मैं, कोई क्या चलेगा ना, कट है। हाँ ठीक है ठीक है। आसमानी पहाड़ियों में बादल छाई गए, अब मेरी इजू में के याद आई गए, अब मेरी इजू में के याद आई गए। आसमानी पहाड़ियों में बादल छाई गए, अब मेरी इजू में के याद आई गए, अब मेरी इजू में के याद आई गए। जब मैं ना नाठू कुनथ दिखी ना, कुनथ दिखी ना, मेरी इजू में छाड़ी गए भादो का मेहना, भादो का मेहना, मेरी इजू में छोड़ी बे कहराई गए, अब मेरी इजू में क्या याद आई गए। बहुत सुंदर आपका गाना था पवनदीप, आपसे जाने की कोशिश करें क्योंकि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड का कोई अपना जो आपका सबसे फेमस सॉन्ग रहा हो वो थोड़ा दो लाइन है? बॉलीवुड का अभी मेरा आ रहा है, बाकी एक दो आए हुए हैं, उसमें से एक लाइन सुना देता हूँ मैं। मेरे लिए मेरा रब है तू ही, चैन सुकून तू मेरा है, होंगे सभी अरमां हासिल हाथों में हाथ जो तेरा है, सबकी मेरी सुबह जीने की तू वजह, बिन तेरे मेरा वजूद नहीं, जब से तू पास है हर लम्हा खास है, लाए वो गम या लाए खुशी, बातें मेरी सब, यादें मेरी सब, रातें मेरी सब, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। तो ये थे मेरे साथ पवनदीप राजन, जिनकी मखमली आवाज़ थी, और सच कहूँ मैं अपने पाँव को जो है रोक नहीं पा रहा था, लगातार जो है थिरकने पर ये मजबूर हो रहे थे, और निश्चित तौर पर आज जो इन्होंने पहाड़ से निकलकर मुंबई जैसे एक महानगर में अपने एक अलग पहचान बनाई है और पहाड़ का भी नाम रोशन किया है। इसके साथ ही जो है ये आज एक पहाड़ के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में भी उभरे हुए हैं, इनसे पहाड़ के युवाओं को सीख लेनी चाहिए। तो ये थे मेरे साथ पवनदीप राजन। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संवाद 365।
सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।